शिवपुरी में उड़न दस्ता टीम ने स्कूली बसों को जांचा। 21 बसों में मिली खामियां, 42,000 का लगाया जुर्माना। गुना में हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत और प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद रविवार को शिवपुरी शहर में निजी स्कूलों की बसों का चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रत्येक वाहन के दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, वाहन का मॉडल, बीमा, फिटनेस बैठक किया गया। चेकिंग के दौरान टीम को स्कूली बसों में की गई कई खामियां मिली, जिस पर जुर्माने की कार्यवाही की गई है। जांच के दौरान आज टीम ने 6 स्कूली बसों की जांच की थी, जिनमें 21 बसों में खामी पाई गई। सभी 21 बसों पर टीम के द्वारा 42,000 का जुर्माना लगाया गया है। आज जिला स्तरीय दल में संयुक्त कलेक्टर मोहम्मद यूनुस कुरैशी, जिला परिवहन अधिकारी रंजना कुशवाहा, यातायात प्रभारी रणवीर यादव के द्वारा हैप्पी डेज स्कूल, सेंट चार्ल्स गीता पब्लिक स्कूल, SPS स्कूल, ईस्टर्न हाइट्स स्कूल के वाहनों की जाँच की गई है। बस के गेट को बंद कर लगा रखी थी अतिरिक्त बैठाने की सीट। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने बताया कि ईस्टर्न हाइट्स स्कूल की बस के एक गेट को बंद किया गया था, जिसे बस का गेट नहीं खुल पा रहा था। गेट को बंद करने के बाद बच्चों को बैठाने के लिए एक अतिरिक्त सीट लगाई गई थी। बस में जानबूझकर किए गए बदलाव के चलते बस पर 1,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। वहीं सेंट चार्ल्स स्कूल की 10 बसों में खामियां पाई गईं। सभी बसों पर 2,000 पर जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त गीता पब्लिक स्कूल की 4 बसों में 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। SPS स्कूल की 4 बसों पर 8,000 का जुर्माना लगाया गया है। हॉलीवुड स्कूल की 2 बसों पर 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सर, ये बसों पर लगातार कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जिलाधीश महोदय एवं SP महोदय द्वारा एक कमेटी गठित की है, जो स्कूली बसों की जांच करेगी और जिनमें जो कमियां पाई जाएंगी उन पर चालानी कार्रवाई करेगी। आज डिप्टी कलेक्टर साहब हैं, यूनुस कुरैशी सर, RTO मैडम और श्रीवास्तव सर है, और मेरे द्वारा बसों का स्कूल में जाकर 5 स्कूलों में गए थे, जिनमें बसों को निरीक्षण किया, जिसमें 21 बसों में कमियाँ निकली, जिन पर सभी बसों पर 2,000 रुपये का जुर्माना किया है। निरंतर ये चालानी कार्रवाई चल रही है, जिसके बाद भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो अभी जो चेकिंग अभियान है निरंतर चलेगा। इनमें हम बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा निर्देश है ऊपर से। और सवारी की बसों की भी निरंतर चेकिंग चल रही है, जो गुना में जो दुर्घटना घटित हुई है, पहले भी हमारे द्वारा स्कूली बसों को अभी 10 दिन पहले मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गया था, इसमें 65 बसों को न्यायालय भेजा गया है। ये कार्रवाई निरंतर चलती है, केवल इसी का एक ही उद्देश्य है प्रशासन का, कि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और आम आदमी की ज़िंदगी को बचाई जा सके।